होली, जिसे रंगों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, एक हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत और नेपाल में मनाया जाता है। यह वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जहां लोग रंगों से खेलने, नाचने, गाने और स्वादिष्ट मिठाइयों का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। होली से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक होलिका और प्रह्लाद की कहानी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यक्षिपु नाम का एक राक्षस राजा था, जिसने उसे वस्तुतः अविनाशी बनाने का वरदान प्राप्त किया था। उसने मांग की कि हर कोई उसे भगवान के रूप में पूजे, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु के प्रति समर्पित था। अपने पुत्र की विष्णु भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यक्षिपु ने प्रह्लाद को मारने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जो आग से प्रतिरक्षित थी। होलिका प्रह्लाद को अपनी गोद में लेकर अलाव में बैठ गई। उसने सोचा कि वह सुरक्षित रहेगी जबकि प्रह्लाद नष्ट हो जाएगा। हालांकि प्रह्लाद की भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति के कारण वह सुरक्षित बच गया, जबकि होलिका जलकर राख हो गई। यह कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत और भक्ति और धार्मिकता की विजय का प्रतीक है। इस जीत का जश्न मनाने के लिए लोग होली की पूर्व संध्या पर अलाव जलाते हैं, जिसे होलिका दहन के रूप में जाना जाता है। अगले दिन वे रंगों से खेलते हैं, खुशी व्यक्त करते हैं और प्रेम और सद्भाव फैलाते हैं। होली क्षमा करने, रिश्तों के नवीनीकरण और दोस्ती और समुदाय के बंधन का जश्न मनाने का समय है। यह एक रंगीन और जीवंत त्योहार है जो जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना लोगों को एक साथ लाता है।